हेलो मेरे गुलगुलो, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे होंगे। तो हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आ गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे जे.जे. थॉम्सन का मजाक उड़ गया। ठीक है, जे.जे. थॉम्सन का मजाक कैसे उड़ा दिए उनके दोस्त, साइंटिस्ट दोस्त लोग जो थे, वो कैसे जे.जे. थॉम्सन का मजाक उड़ा दिए, आज के वीडियो में बस यही देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो ये चैप्टर में पढ़ाऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कहानी के फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा। तो सुनिए एक कहानी। जैसे ही उन्होंने इतने सारे चीज़ों के बारे में खोज कर ली, कौन, जे.जे. थॉम्सन साहब, उन्होंने कैथोड रे के बारे में इतना सारा बात बताया। कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, उन्होंने हॉर्सशू मैग्नेट लगा के देखा था। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा के देखे थे, हॉर्सशू मैग्नेट लगा के देखे, और हॉर्सशू मैग्नेट जो था वह बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा था, जिसके वजह से कैथोड रे जाने के बाद डेविएट कर रहा था। इससे ये पता चला था कि कैथोड रे के पास मोमेंटम होता है। क्यों? क्योंकि कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है, और उसके साथ उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है। तो वो बताए थे कि जिसके पास मास हो और कुछ वेलोसिटी हो, उसके पास कुछ मोमेंटम भी होता है। ये सारा चीज़ बताए थे। ओ, इधर से गिर रहा है। अच्छा, ये गिरने लगा, पता है, हाथ में ही लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इन्होंने बताया था। तो उनके दोस्त जे.जे. थॉम्सन को बुलाए और बोलते हैं, जे.जे. एक बात बताओ। तो बोले, हाँ बताओ। आप इतना चीज़ खोज लिए थे, तो क्या था ना, उनको बहुत घमंड हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। ऐसे ऐसे चल रहे थे, मतलब कोई उनका दोस्त देखता था, तू तुच्छ प्राणी है, मैं तेरे को नहीं देखूंगा यार, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, मतलब इस तरह से घमंड हो गया था जे.जे. थॉम्सन को। तो उनके जो साइंटिस्ट फ्रेंड जो थे, वो बोले कि अरे इसको तो बहुत घमंड हो गया है, अब इसका कुछ ना कुछ बैंड बजाना पड़ेगा। ठीक है, तो जे.जे. थॉम्सन को बुलाए और बोले कि तू तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। तो जे.जे. थॉम्सन बोले, हाँ इसमें कोई शक है क्या? फिर बोले वो साइंटिस्ट दोस्त जो थे, वो जे.जे. थॉम्सन से पूछते हैं, ठीक है, तो तुम जो बोल रहे थे कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो जे.जे. थॉम्सन बोले, हाँ भाई कोई शक है क्या, इसमें तो मैं बता ही दिया प्रूफ करके। फिर जे.जे. थॉम्सन से सवाल करते हैं उनके फ्रेंड, ठीक है, तो कैथोड रे के पास मोमेंटम होता है? तो फिर जे.जे. थॉम्सन बोले, ठीक है, हाँ होता है भाई, कोई शक है क्या? तो उसके बाद बोले कि ठीक है, कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो जे.जे. थॉम्सन बोले, हाँ भाई कोई शक है क्या, मैंने तो प्रूफ करके दिखाया। तो वो साइंटिस्ट पूछते हैं कि ठीक है, कैथोड रे के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो ये साबित करके बताओ कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। तुमने तो ये नहीं बताया कि भाई उसके पास चार्ज है कितना, तुमने तो ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो अब तू प्रूफ करके बता कि उस पर चार्ज होता कितना है, पहली बात, और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन का वजन भी बता, मास भी बता, मास कितना होता है, ये दो चीज़ तू प्रूफ करके बता। अब जे.जे. थॉम्सन साहब सोचे, ज़्यादा होशियार बनने से कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ज़्यादा होशियार बनना नहीं है, बात तो ये दोस्त जो है मेरा वो सही बोला है, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से वो अपने लैब में चल गए और अगला एक्सपेरिमेंट वो करने लगे। तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो देखिए जे.जे. थॉम्सन क्या एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, अपने आप को सही साबित करने के लिए। ठीक है, अब वो चीज़ वो नहीं करते जे.जे. थॉम्सन, तो बेचारा जे.जे. थॉम्सन का तो एकदम बेइज्जती तय था। आइए उन्होंने क्या किए, देखिए, उन्होंने अपने लैब में गए और उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाए थे, ठीक है, उन्होंने जे.जे. थॉम्सन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाए थे, और डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे जो जा रहा था डिस्चार्ज ट्यूब में, उस कैथोड रे के बारे में जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसका मास बताना था उनको, उसका और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है ये भी बताना था। अब इनका तो माथा सटिया गया, अब उनका दोस्त बेइज्जत कर रहे थे, अब क्या करें ये जे.जे. थॉम्सन साहब। तो उन्होंने क्या किया, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था, कैथोड रे ट्यूब था, उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिए। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ बदल दिए। कैसे बदले, तो देखिए,
कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दिए थे कैथोड रे ट्यूब का, यानी डिस्चार्ज ट्यूब का थोड़ा स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर दिए। कौन? जे जे थॉमसन साहब। क्या किए? एज यूजुअल जैसे अपने कैथोड रे में, कैथोड रे ट्यूब में जिस तरह से कैथोड और एनोड लगाए हुए थे, उसी तरह से कैथोड और एनोड को लगा दिए इस तरह से। पता है ये जो एनोड लगा हुआ था वो परफोरेटेड एनोड था। क्यों? क्योंकि एनोड में थोड़ा छेद था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस दोनों को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी इधर ही लगा देता हूँ ताकि आगे के एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इधर वाला छोटा बड़ा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस। तो ये माइनस है तो इधर पूरा माइनस चार्ज हो जाएगा, और माइनस चार्ज होने की वजह से ये बाबू कैथोड हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब इधर प्लस चार्ज होने की वजह से ये इधर पूरा प्लस चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, और प्लस चार्ज डिपॉजिट हो जाने की वजह से ये एनोड कहला जाएगा। ये छोटी जानकारी आप लोगों को तो पहले से पता थी, ये मैं बता के रखा हूँ। और आपको पता है ना कि कैथोड रे ट्यूब में वो पूरी तरह से जिंक सल्फाइड की कोटिंग किए हुए थे, तो इधर भी जो है यहाँ पूरा जिंक सल्फाइड की कोटिंग किया गया है। पूरा कैथोड रे ट्यूब में पूरी तरह से जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है जे जे थॉमसन साहब ने। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यानी जेड एन एस की कोटिंग की गई है यहाँ पर, जेड एन एस की। क्यों की गई थी? ताकि फ्लोरोसेंस डेवलप हो पाए, चमक डेवलप हो पाए। इतना बात समझ में आया? अब जैसे ही यहाँ पर इन्होंने प्लग इन किया, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्लग इन करेंगे तो यहाँ से कैथोड रे आना चालू हो जाएगा, इधर से कैथोड रे आना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक और सेटअप किया। उन्होंने क्या किए? एक मेटल की प्लेट यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर क्या की उन्होंने? एक मेटल की प्लेट इन्होंने इधर लगा दी, ठीक है, दो मेटल की प्लेट लगा दिए इधर। अब यहाँ जो है इसको एक बैटरी से भी जोड़ेंगे, तो रुक जाइए, मैं थोड़ा बैटरी भी बना देना चाहता हूँ। ये रहा मेटल की प्लेट, समझ में आ रहा है? पहले इन्होंने मेटल की प्लेट लगा दी। अब मेटल की प्लेट जो इन्होंने लगा दिए, अब मेटल की प्लेट लगाने की वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? चार्ज के वजह से। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, जिसके वजह से इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है चार्ज के वजह से। अब जैसे ही कैथोड रे आएगा, कैथोड रे के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। अब जिधर देखेगा वो पॉजिटिव चार्ज उधर तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए इधर बला बला है तो ये पॉजिटिव, इधर छोटा बला है तो इधर निगेटिव। तो निगेटिव के वजह से इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर पॉजिटिव के वजह से इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इधर जो कैथोड रे आ रही है सामने से, अब इधर से देखिए, अब मैं कैथोड रे को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है इधर। अब जानते ही है ना कि कैथोड रे के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, होता है कि नहीं होता? होता है ना, यस। तो ये कैथोड रे अब इधर पॉजिटिव चार्ज फील करने पड़ेगा। अब कोई भी चीज़ निगेटिव है और कोई चीज़ पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या आप लड़के हैं और लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो गड़बड़ है, सोच लीजिए। अरे आप लड़के की तरफ ही, आप लड़के हैं तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़का की तरफ। तो जाहिर सी बात है ये कैथोड रे है तो कैथोड रे निगेटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर इधर अट्रैक्ट होगा तो समझ लीजिए आप ही की तरह होगा, अगर आप लड़के की तरह अट्रैक्ट होना चाहते हैं तब। तो ये अगर कैथोड रे है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ये जो है ना अपने रास्ते से डेविएट हो जाकर यहाँ पर कुछ फ्लोरेसेंस डेवलप करेगा, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा पॉजिटिव चार्ज फील हुआ। मैं अच्छे से डायग्राम को नहीं बना पाया। क्या हुआ ना कि देखिए यहाँ पर सीधा जा रहा था, अब सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज फील हुआ, ये थोड़ा इधर होना चाहेगा, थोड़ा इसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। इसी के लिए सीधा न जाके थोड़ा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा और अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो जाएगा और यहाँ पर
जाके हिट करेगा, यहाँ पर जाके हिट करेगा, यहाँ पर हिट करेगा और चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है ZNS की कोटिंग की गई है जिंक सल्फाइड की, और यहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप करने लगेगा। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। कब यहाँ पर किया? व्हेन इलेक्ट्रिकल प्लेट वाज प्लेस्ड, वाज प्रेजेंट लिख दो, यानी यहां पर कोई एक ए पॉइंट पर कैसे फ्लोरोसेंस डेवलप किया? जब इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाए थे जे थॉमसन साहब, तब जो है किसी ए पॉइंट पर जाके हिट किया, वहां पर फ्लोरोसेंस डेवलप किया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण थोड़ा ये जो है कैथोड रे डेविएट हो गया, और उसकी तरफ डेविएट होने की वजह से सीधा ना जाकर डायरेक्ट पॉइंट ए पर हिट किया और यहां पर फ्लोरोसेंस डेवलप किया। अब उन्होंने और लोचा किया, याद है आपको हॉर्सू मैग्नेट के बारे में मैं बताया था। ये देखिए हॉर्सू मैग्नेट घोड़े के नाल की तरह होता है, इस तरह से। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने की वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे भाई, यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट में से एक है हॉर्सू मैग्नेट, घोड़े के नाल के जैसा होता है। अब इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम आमने सामने होता है, आमने सामने होने की वजह से बहुत तगड़ा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस फ्लक्स के पार से वो मोमेंटम, जिसके पास कोई भी वस्तु है जिसके पास मोमेंटम हो, ये पार नहीं जा सकता, वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। फिर से समझिए, कोई भी यहाँ पर, ये जहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हो, वहाँ से अगर कोई मोमेंटम वाला चीज़ जाएगा, किसी वस्तु के पास मोमेंटम है, वो उसके पार नहीं जा सकता, वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा। ये मोमेंटम यानी कैथोड रे के पास मोमेंटम है ना। अब यहाँ पर ये हॉर्सू मैग्नेट लगा के देखेंगे, अब देखिए कैसे डेविएट होता है। थोड़ा मैं पिछला रिविज़न करवा दिया हूँ आप लोगों को। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। मैं एनोड को मिटा दूं ताकि जगह बच जाए लगाने के लिए, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हॉर्स शू मैग्नेट लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर इमेज कचरा हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है, समझिए। डायग्राम पर ना जाए, भावनाओं पर जाए, ठीक है, डायग्राम पे ना जाए, भावनाओं पर जाए। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पर ये हॉर्सू मैग्नेट प्लेस कर दिए, लगा दिए, अब इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, जाहिर सी बात है हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर अगर कैथोड रे जाएगी, यहाँ पर अगर फिर से कैथोड रे जाएगी, तो यहाँ पर जो है इस फ्लक्स के पार जा ही नहीं पाएगी, जाएगी भी तो डेविएट हो जाएगी अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि कैथोड रे के पास मोमेंटम होता है, और किसी भी चीज़ के पास अगर मोमेंटम है तो ये फ्लक्स से जाएगा लेकिन अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है, सीधा नहीं जा पाएगा। तो ये गया और यहाँ से डेविएट हो गया और किसी सी नाम के पॉइंट पर जाके हिट किया। समझिए, कचरा नहीं ना हो रहा है, अब समझिए, भावनाओं पर जाएं, डायग्राम पे नहीं जाएं। डायग्राम हमको पता है कि सही नहीं बना अच्छे से, ठीक है, किसी सी पॉइंट पर हिट करेगा। अब ये परफोरेटेड है ना, इसी के वजह से इसके पार चला जा रहा है। तीसरा केस क्या हुआ, अब यहां पर सी पॉइंट कब, व्हेन मैग्नेट वाज प्रेजेंट, ठीक है। पहला काम क्या किया जैसे थॉमसन, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाए, उसके बाद चार्ज की वजह से थोड़ा डेविएट हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैथोड रे डेविएट हो गया, किसी ए पॉइंट पर हिट किया। अब क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल प्लेट को हटा दिए, उसके बाद हॉर्सू मैग्नेट लगाए, समझिएगा, बारी बारी से लगा रहे थे वो, उसके बाद हॉर्सू मैग्नेट लगाए, इस फ्लक्स के वजह से थोड़ा डेविएट हो गया और किसी सी पॉइंट पर जाकर हिट कर दिया। अब क्या किए, ये दो बात उन्होंने किए, अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्लेट भी लगा दिए और हॉर्सू मैग्नेट भी लगा दिए, दोनों चीज लगा दिए। पहले बारी बारी से लगाए थे, ये इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाए तो यहां पर ए पर हिट किया, उसके बाद इसको हटा दिए प्लेट को, उसके बाद मैग्नेट लगाए, उसके बाद इधर हिट किया,
अब दोनों दोनों एक के बार लगा दिए तो उसके बाद कैथोड रे आया तो एकदम सीधा चला गया और किसी बी पॉइंट पर हिट किया। पता है क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फोर्स था और यहाँ पर जो मैग्नेट का फोर्स था दोनों कैंसल आउट हो गया, दोनों कैंसल हो गया जिसके वजह से कोई डेविएशन फील नहीं हुआ। ठीक है, कोई डेविएशन फील नहीं हुआ और यहाँ पर जो है ये कैथोड रे एकदम सीधा चला गया। ठीक है, पूरा तरह से सीधा कैथोड रे चला गया क्योंकि यहाँ जो मैग्नेट फोर्स लगा रहा था वो और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो उस चार्ज पर अपना फोर्स लगा रहा था वो दोनों इक्वल हो गया, जिसके वजह से चार्ज जो है मतलब जिसके वजह से हमारा कैथोड रे वो पूरा सीधा ट्रेवल किया, एकदम ना इधर गया ना उधर गया, एकदम सीधा। ठीक है, दोनों इक्वल था फोर्स, दोनों इक्वल कैथोड रे पर फोर्स लगा जिसके वजह से दोनों फोर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और एकदम बी पॉइंट पर हिट किया। समझ में आ रहा है? और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के वजह से हमारे जे जे थॉम्सन, वैसे वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप लोगों के कोई काम का नहीं है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से हमारे जे जे थॉम्सन ई बाय एम रेशियो निकाल के दिए। और ई बाय एम रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, या इसको और चीज बोल सकते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। अब उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के वजह से ई बाय एम का एक वैल्यू भी रखा था और ई बाय एम का जो एक वैल्यू उन्होंने लाए थे वो था 1.75880 × 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है, इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले। ठीक है, इस पॉइंट का ए पॉइंट पर फ्लोरोसेंस डेवलप कर रहा था, फिर सी पॉइंट पर फ्लोरोसेंस डेवलप कर रहा था और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से एक वैल्यू ला के दे दिए। वो क्या था? ई बाय एम रेशियो था, वो था 1.75880 × 10^11 कूलम पर केजी, ये एक वैल्यू ला के दे दी। ठीक है, अब बहुत बड़ी खोज उन्होंने कर दी, इतना वैल्यू भी ला के दे दिए। फिर अपने दोस्त के पास गए, अब वो बहुत खुश थे जे जे थॉम्सन, वो बोले देख मैंने एक वैल्यू ला के दे दिया। फिर उसके दोस्त बोले अरे यार तू बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत गजब काम किया, लेकिन मैंने तो बोला था चार्ज क्या है यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है, ये मैंने पूछा था, तू तो रेशियो ले आया तो गड़बड़ कर दिया तुम। तो हमारे जे जे थॉम्सन साहब बोले ओहो मेरे से नहीं होगा। और जाहिर सी बात है इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, मास कितना होता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता करना थोड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इसलिए जे जे थॉम्सन साहब बोले मेरे से नहीं होगा यार, बस करो, अब हमसे नहीं होने वाला। और हो गई बेइज्जती जे जे थॉम्सन साहब की। हाँ, भले वो काम बहुत बड़े बड़े किए थे, बहुत बड़े काम किए थे, लेकिन अब उनसे आगे वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो पता नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, तो अब पता कौन लगाया उसके बारे में देखते हैं। पहले इतना आप जल्दी से छाप लीजिए, पिक्चर पे मत जाइएगा, आप एक बार बुक देख लीजिएगा, बुक से वहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है एनसीईआरटी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बस आपको लॉजिक क्या था, ठीक है, आप इसके अंदर का कंसेप्ट समझ गए, वही बहुत बड़ी बात है। इतना लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ। लिख लिया है, चलिए मिटा दूँ। यस, उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलिकन। ठीक है, क्या नाम था? मिलिकन, मिलिकन। और जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके लिए इन्होंने एक आयरन का चैम्बर लिए, इस तरह से आयरन का उन्होंने एक चैम्बर लिए आयरन का उन्होंने चैम्बर लिए
इस तरह से उन्होंने मेटल की दो प्लेट लगाई, ठीक है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा। और यहाँ इन्होंने यहाँ से जो है चार्ज को बैलेंस करने लगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो इसके वजह से ये इधर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा और इधर माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर उन्होंने एक मीटर लगाई हुई थी, जहाँ इधर जैसे ही ये चार्ज को यहाँ से बैलेंस करने करते थे, यहाँ पर जो मीटर लगी हुई थी वो इधर उधर डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, थोड़ा हिल रही थी। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ी जगह छोड़कर इस तरह से कुछ लगाया हुआ था, और इसमें ऑयल भरे हुए थे, तेल इसके अंदर भरा हुआ था, मतलब इस तरह से नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ, सैलून में गए सैलून में ऐसे नहीं पस 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 करके मारता है सर पे, उसी तरह से यहाँ पे लगाए हुए थे और इसके अंदर तेल भरा हुआ था। जैसे ही यहाँ से ये बटन प्रेस करते थे, इस तरह से यहाँ से कुछ ऑयल की ड्रॉप जो है स्प्रे फॉर्म में यहाँ पे आके गिरती थी, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पर पस 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 किए, यहाँ पर कुछ ऑयल की ड्रॉप आई और यहाँ पर अब देखिएगा ये ऑयल की ड्रॉप, समझ लेता हूँ अच्छे से बन नहीं पा रही है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ये चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, ठीक है, तो ये चार्ज नीचे आने के वजह से ये चार्ज ऊपर चली जा रही थी, यहाँ से ये चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, ये जो है नीचे आने के वजह से ये ऊपर जा रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था। और उन्होंने चार्ज बैलेंस करते 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 एक ऐसा चार्ज सेट किया कि यहाँ पर जो तेल की बूंद है, ये ऑयल का ड्रॉप है, एक समय इन्होंने यहाँ से एक ऐसा चार्ज सेट किया कि ये तेल की बूंद है, ये यहाँ इन दोनों के बीच में जाके लटक गई। अरे तुरी का, अब मिलिकन साहब समझ गए कि, अब मिलिकन साहब भी जानते थे कि दुनिया का हर एक चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बना, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये भी समझ गए कि भाई ये तेल जो है इसके अंदर भी एटम होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। अब कैसे इन दोनों के बीच में कैसे कब रुक गया भाई, कब रुक गया, जब यहाँ जो वो चार्ज सेट कर रहे थे उसका चार्ज और इसके अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज, वो दोनों जब इक्वल हो गया होगा तब जाके ये बूंद लटक गई। अब रस्सा रस्सी का खेल खेलते हैं ना, तो देखते हैं उधर वाली जो पार्टी रहती है वो अगर सेम बल लगाती और इधर वाला पार्टी भी सेम बल लगाता है तो रस्सा रस्सी के खेल में ना उधर खींच पाता है ना इधर खींच पाता है, बीच में लटक जाता है, समझ रहे हैं। या पंजा खेले होंगे तो पंजा में अगर दोनों पार्टी अगर सेम ही फोर्स लगा रही है तो पंजा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एकदम बीच में अटकी रहती है। वही यहाँ पे जो चार्ज सेट कर रहे थे वो चार्ज यहाँ और ये इसका वाला ऑयल वाला चार्ज, दोनों का चार्ज बराबर हो गया होगा जिसके वजह से तेल यहाँ पर लटक गई। और यहीं से उन्होंने मिलिकन साहब ने बता दिए भाई कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। भले आप यहाँ पर ये जो माइनस दिया हूँ मैं, अगर आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस इलेक्ट्रॉन का निगेटिव नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर ये जो देख रहा है ये निगेटिव नेचर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसका कोई यूज नहीं होता है, इस माइनस साइन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग यूज नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर मिलिकन साहब ने एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये भी बता दिए थे। अब बात बारी रह गई थी हमारी, तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो एक बहुत बड़ी यहाँ पे गुत्थी बनी हुई थी। अब गुत्थी को सुलझाए कौन, तो साइंटिस्ट बोले भाई देखो इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। साइंटिस्ट बोले देखो ये काम तो जे थॉमसन करके चले गए, अब थोड़ा हम अपना मैथमेटिक्स लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये पता चल जाएगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन स्पेसिफिक चार्ज यानी ई बाय एम रेशियो उन्होंने देखे गए थे, वो कितना दिए थे 1.75
880 × 10^11 कूलाम पर केजी ये दे के चले गए थे। अब हमारे मिलिकन साहब ने ई की वैल्यू तो बता दी, वो बता दिया −1.6 × 10^-19 कूलाम, कोई प्रॉब्लम? तो क्यों ना साइंटिस्ट लोग सोचे क्यों ना ये ई वाले को, ई वाला का जो वैल्यू है उसको उठा के यहां रख दिया जाए। वही काम किए, क्या किए, ई की वैल्यू यहां पर रख दिए। तो यानी अब याद रखे ये माइनस जो है, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पर ये माइनस का कोई आवश्यकता नहीं होगा। तो ई का जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है, आप उठा के यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1.6 × 10^-19 कूलम बाय एम इजकल टू 1.75880 × 10^11 कूलम पर केजी। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए होता है, कमेंट कीजिए, जाके कमेंट कीजिए। अब देखिए ये एम इधर जाएगा तो ये इधर चलाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10^-19 कूलम। बट मैं इसको इधर लेके आ जाइए ना, 1.75880 × 10^11 कूलाम पर के जी। हाँ, और ये जो एम है ये इधर चला गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम है तो जाके कमेंट कीजिए आप। अब देखिए क्या करता हूँ, 10^+11 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो वही करते हैं, 1.6 × 10^-19 × 10^-11, ठीक है, अब बट्टे में 1.75880 × कुछ नहीं, इंटू में सिर्फ कूलम पर केजी रह जाएगा, कूलम पर केजी, और ऊपर में कूलम था तो कूलम से कूलम, एक कूलम से एक कूलम कट गया। अब क्या करते हैं, देखिए इधर कर लूँ, यस, अगर इसको हम कट करेंगे ना बच्चों, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारी आएगी 0.91 समथिंग आएगी, आप कर लेना जाके। देखिए वही करता हूँ, यहाँ पे 0.91 × 10^19 = 11 = 30 माइनस में 30 के जी, कोई दिक्कत? एम निकाल रहे हैं ना, एम, अब एम ना निकाल रहे हैं, इधर इजकल टू एम कर दो आप, इजकल टू एम, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन जानते हैं, हम किसी भी चीज को हमको n × 10^10 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, और यहां पर ये जो n है वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये चैप्टर वन में पढ़ना था, ये चैप्टर वन में पढ़ना था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या रहिएगा आप लोग? यानी ये n की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, एक से लेकर नौ तक हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो जीरो है, अरे तोड़ी का, इसको तो बदलना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को इधर घसकाइए, अब जैसे इधर एक पॉइंट घसकाइएगा तो 10^-1 बढ़ जाएगा, यानी 9.1 × 10^-30 × 10^-1 के जी इजकल टू एम, क्या हो जाएगा, 9.1 × 10^-31 केजी इजकल टू एम, यानी एम की जो वैल्यू होगा, यानी मास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 × 10^-31 केजी, और यहाँ पर साबित हो गया भाई इलेक्ट्रॉन का मास यही होता है, ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूफ हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10^-31 केजी। बुझाइल कि ना बुझाइल, तो देख लो एक बार देख लीजिए, इसको देख लिए हैं, अरे भैया देखे हैं, चलिए देख लिए, ठीक है, तो चलिए बच्चों पूरा लिख लिए होंगे, तो इसी तरह से हम रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। पढ़ाई करिए, खूब तरक्की कीजिए, मेहनत कीजिए जमकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।